तीन चीजें गुनाहों का कुफारा है फिस बागुल वजू फिसबारात झाड़े में ठंडे मौसम में पूरा वजू करना है मुकम्मल एहतमाम के साथ वजू करना मौसम सरमा में ये गुनाहों को मिटा डालता है और दूसरी चीज इर्शाद फरमाई व इंतजार सलात बाद सलात एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करने बैठ जाना कि असर पढ़ लिया मगरब पढ़ के जाएंगे मग़रब पढ़ी अब पढ़ के जाएंगे तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास तुम फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अपने रब की ज्यारत की हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास फरमाते हैं कि मेरा गुमान है की कि ये हजूर किसी खाब की कहानी सुना रहे हैं। तो एशात फरमाया कि जब मैंने अपने रब की ज्यारत की तो मेरे रब ने मुझे कहा कि ये फ़रिश्ते जो मला अला में बहस कर रहे हैं ये किस अमर में गुफ्तु कर रहे हैं फ़रिश्ते किसी मामले में तकरार कर रहे थे तो इनकी गुफ्तु किस उनवान से है तो मैंने कहा कि मालिक तू बेहतर जानता है मुझे मालूम नहीं है तो अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो कंधों के दरमियान रखा और उसकी ठंडक मैंने सीने में महसूस की फतः जल्ला कुल्लो शैन व आरफ तो हर शय मेरे सामने रोशन हो गई और मैंने हर शय को देख भी लिया और पहचान भी लिया तो फिर मेरे रब ने कहा कि अब बताओ तो ज़ाहिर है उसका दस्त कुदरत मेरे दो कंधों के दरम्या आया और हर शय मेरे सामने आ गई तो मैंने अर्ज़ की या लग, ये कफारात और दराजात के बारे में आपस में बहस कर रहे हैं और वो कफ़ारात क्या है अलमकसो फिलमसाजद बाद सलात नमाज के बाद मस्जिदों में रुक जाना कि दूसरी नमाज पढ़ के जाएंगे इस पर फरिश्ते मला आलाम आलम बाला में बैठ के गुफ्तगू कर रहे अल्लाह अकबर ये कितना बड़ा अमल है कि जिस पर फरिश्ते कह रहे हैं बल्ले बल्ले कैसे वो लोग हैं जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए रुक जाते हैं और एक हदीस पाक में आता है सही बुखारी में सात अशखास ऐसे हैं कयामत के दिन कड़कती धूप में जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उन्हें अपने अर्श का ठंडा सायातापा उनमें से एक वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों के साथ जुड़ा हुआ है मस्जिद की हाजिरी उसे बहुत पसंद है दूसरा वल मशियो, अकदाम, अलजमात जमात के लिए फ़र्ज़ नमाजों के लिए मस्जिद की तरफ चल के पैदल जाना हर कदम के बदले में दर्जे बुलंद होते और गुना माफ होते हैं अल्लाह अकबर ये तलब की गई कि दुआ कीजिए कि मेरा घर मस्जिद से नेड़े हो तो कहा नहीं तुम जितने कदम चल के आते हो उतने तुम्हारे गुनाह माफ़ होते उतना ही तुम्हें सवाब होता है तो ये चल करके आना गुनाहों का कुफ़ारा है तीसरी चीज़ एर शाद फरमाई कि वह इस, इस बागुल वज़ू फिल्म मुश्किल सूरत हाल में वज़ू पूरा करना और वो सर्दियों के अंदर मुश्किल होता है कि पानी बहुत ठंडा है तो उस वक्त बंदा कहता है चलो एक दफ़ा भी गुज़र हो जाएगी अगर एक दफ़ा भी चेहरा धो लेंगे वज़ू तो हो जाएगा लेकिन सुन्न तरीक़े से तीनों बार ही धोना और तीनों बार ही जो है वो पाँव धोने और तीनों बार ही बाकी आज़ाद धोने तो ये मुश्किल होगा वज़ू में ठंडे पानी से तो बहरहाल मुश्किल में वज़ू जब बंदा करता है तो अल्लाह के लिए कर रहा होता है अल्लाह अकबर तो अल्लाह ताला को ये बड़ा पसंद है इससे अल्लाह गुना ख़त्म कर देता है अल्लाह तो ये तीन चीज़ें